नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी और मैं हूं आपके साथ उम्मीद सोएबा। बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पुल के पाए से टकराकर यात्रियों से भरी नाव गंगा में पलटी, कई लोगों ने तैरकर बचाई जान, एक व्यक्ति हुआ लापता। शहर में ठप पड़े विकास कार्यों से नाराज नगर सरकार ने निगम कार्यालय में दिया धरना, नगर आयुक्त ने समस्या समाधान का दिलाया भरोसा। वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण के समर्थन में वकीलों ने दिया धरना, का संविधान ने दिया है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। 16 सूत्री मांगों को लेकर संविदा पर बहाल स्वास्थ्य कर्मियों ने किया प्रदर्शन, कोरोना काल में स्वास्थ्य व्यवस्था पर पड़ रहा है असर। और मुहर्रम की चौथी तारीख पर बड़ा इमामबाड़ा में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ हुई मजलिस, नहीं निकाला गया जुलूस। अब खबरें विस्तार से। गंगा के जलस्तर में लगातार वृद्धि होने के बावजूद छोटे नाव का परिचालन धड़ल्ले से हो रहा है। नदी की उफान को देखते हुए प्रशासन द्वारा छोटे नाव एवं वाटर बोट की परिचालन पर पूर्णतः रोक लगाई गई है। इसके बावजूद लोग अपनी जान को जोखिम में डालकर नदी में नाव की सवारी कर रहे हैं। सोमवार को सुल्तानगंज खगड़िया अगुवानी घाट के समीप यात्रियों से भरी नाव पलट गई। घटना को लेकर प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि नदी में तेज उफान के कारण नाव अर्धनिर्मित पुल के पाया नंबर 11 से टकरा गई, जिसके बाद अपनी जान बचाने कई लोग तैरकर नदी के किनारे पहुंचे तो कईयों ने दूसरे नाव का सहारा लिया। वही घटना में कई लोग घायल हो गए जबकि एक लापता होने की खबर है। भागलपुर नगर निगम की नगर आयुक्त जे प्रियदर्शनी के कामकाज से नाराज नगर निगम के मेयर सीमा शाह, डिप्टी मेयर राजेश वर्मा समेत कई पार्षद सोमवार से नगर आयुक्त कार्यालय के सामने धरना पर बैठ गए। वही अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे पार्षदों ने नगर आयुक्त की कार्यशैली की निंदा करते हुए कई सवाल खड़े कर दिए। मेयर सीमा शाह ने कहा कि हम लोग जब भी नगर आयुक्त जय प्रियदर्शनी से मिलना चाहते हैं तब वह कोई न कोई बहाना बना देती है, जिसके कारण ना तो शहर का विकास हो पा रहा है और ना ही आम जनता की समस्या दूर हो पा रही है। वही धरना का नेतृत्व कर रहे डिप्टी मेयर राजेश वर्मा ने कहा कि स्वच्छता सर्वेक्षण में भागलपुर के पिछड़ेपन का कारण नगर आयुक्त के कार्यों का नतीजा है। धरना प्रदर्शन कर रहे पार्षदों ने कहा कि जब तक नगर आयुक्त निगम के आय व्यय का संपूर्ण ब्यौरा पार्षदों को नहीं देगी तब तक आंदोलन जारी रहेगा। इधर करीब 5 घंटे बाद नगर आयुक्त जय प्रियदर्शनी निगम कार्यालय पहुंची और पार्षदों को समझाने का प्रयास किया, जिसके बाद काफी देर तक नगर आयुक्त, मेयर, डिप्टी मेयर एवं पार्षदों के बीच कहासुनी होती रही। तो आज यहाँ पे सारे वार्ड पार्षद, मेयर और डिप्टी मेयर यहाँ पे धरना पे बैठे थे, तो इनका मेजर ग्रीवांस यही थे, तो हमसे बात करने में थोड़ा मिसकम्युनिकेशन हो रहा है, थोड़े बीच में गैप हो गया क्योंकि कोविड टाइम में लॉकडाउन में थे हम लोग, तो सारे मीटिंग्स को बुलाने का हमको मौका भी नहीं मिला। तो इसको हम लोग सॉर्ट आउट अभी कर चुका है, जो बात किया हम लोग हर एक दिन 12 से 1 बजे, तो एक घंटा स्पेसिफिकली वार्ड पार्षद के लिए मैं रखा हूँ। अभी नगर आयुक्त महोदय आई तो वो अभी तो शासन दिया है कि आय व्यय का हिसाब हम दे देंगे अभी, तो मेरा ये भी निर्णय है कि आय व्यय का हिसाब हमको मिलेगा तभी हम बैठक करेंगे, और उसके बाद एक बजट भी है उसमें, अभी तक बजट पास नहीं किया है, ये भी सरकार को जा रही है यहाँ से कैसा मैसेज, ये भी समझ लीजिए। तो अभी जब तक आय व्यय का हिसाब हमको नहीं मिल जाता है तब तक हम तो बैठक करेंगे नहीं, और दूसरी बात हमको हिसाब मिल जाना चाहिए। उस मांग को हम लोगों ने ठोक बजाकर पदाधिकारी और नगर आयुक्त के समक्ष रखने का काम किया, और अंतोगत्वा नगर आयुक्त ने भी आज आप सभी लोगों के सामने इस बात को कबूल किया कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और मीटिंग के कारण मेरी व्यस्तता रही, इसी कारण से मैं पार्षदों से नहीं मिल पाई। इसको उन्होंने कन्फेस आप लोग के सामने किया है कि मैं नहीं मिल पाई, और इसको मैं सुधारते हुए प्रतिदिन 12 से 1 बजे का टाइम उन्होंने निर्धारित किया है कि प्रतिदिन 12 से 1 बजे के बीच वो सभी पार्षदों की बात को सुनेंगी, एक टीम बनाएंगी जिस टीम के माध्यम से वो पार्षदों के समस्या का समाधान भी त्वरित कार्रवाई करते हुए करेंगी, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कमिटमेंट किया है। वरिष्ठ वकील और सामाजिक कार्यकर्ता प्रशांत भूषण ने अवमानना मामले में सुप्रीम कोर्ट से बिना शर्त माफी मांगने से इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि उनके बयान सद्भावनापूर्ण थे और अगर वो माफी मांगेंगे तो उनके अंतरात्मा और उस संस्थान की अवमानना होगी जिसमें वो सर्वोच्च विश्वास रखते हैं। वही प्रशांत भूषण के समर्थन में भागलपुर व्यवहार न्यायालय के सामने अधिवक्ताओं ने सांकेतिक धरना दिया।
धरना पर बैठे अधिवक्ताओं ने कहा कि भारतीय संविधान सभी नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करता है और इसी अधिकार का उपयोग करते हुए प्रशांत भूषण ने ट्वीट किया था। वही सांकेतिक धरना के दौरान कई अधिवक्ताओं ने अपने विचार रखे। न्यायपालिका से जो भी न्याय जजेस जो रिटायर होकर जाते हैं या बहुत तरह की बात उन्होंने लिखा, तो उसी ट्विटर हैंडल के खिलाफ में प्रशांत भूषण सर के ऊपर अवमानना का केस किया गया था। उन्हीं केस के विरोध में हम लोग भागलपुर के अधिवक्ता सीनियर लॉयर्स हम लोग उसके खिलाफ में सच्चे लॉयर हैं और मोस्ट सीनियर लॉयर हैं और बहुत सारे मामला उन्होंने उजागर किया, लेकिन जब आज उनके साथ अन्याय हो रहा है हम उसको अन्याय कहेंगे, इसलिए आज उनके सपोर्ट में हम आज उनके तरफ से धरना दे रहे हैं। बिहार राज्य स्वास्थ्य संविदा कर्मी संघ के आह्वान पर सोमवार को भी जिले के सभी संविदा कर्मी हड़ताल पर रहे। वही भागलपुर डीपीएम कार्यालय के सामने धरना पर बैठे स्वास्थ्य कर्मियों ने बिहार सरकार एवं स्वास्थ्य मंत्री के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान अनुबंध पर कार्यरत स्वास्थ्य कर्मियों ने सरकार से समान काम के लिए समान वेतन दिए जाने की मांग की। अपनी मांगों के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे जिला संविदा कर्मी संघ के अध्यक्ष विनय कुमार उपाध्याय ने कहा कि जब तक राज्य सरकार कॉन्ट्रैक्ट पर बहाल कर्मियों की 16 सूत्री मांग पूरा नहीं करेगी तब तक आंदोलन जारी रहेगा। वही सदर अस्पताल के हेल्थ मैनेजर मोहम्मद जावेद मंजूरी ने बताया कि जिस तरह आयुष चिकित्सकों को वेतन बढ़ाकर दिया गया है वैसे ही हम लोगों को भी दिया जाए। इधर जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच करीब 150 से अधिक संविदा कर्मियों के हड़ताल पर चले जाने से स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गई है। हम लोगों का खून पसीना चूस लिया है। हम लोग के बीच में कितने संविदा कर्मी, मैं खुद दो दो बार कोरोना से पॉजिटिव हो गया हूं, लेकिन अपना दिन रात स्वास्थ्य के में काम करता हूं, लेकिन सरकार हम लोगों को क्या दे रही है। सोमवार को मुहर्रम की चौथी तारीख पर शिया समुदाय के विभिन्न इमामबाड़े पर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मजलिस का आयोजन किया गया। वही भागलपुर असानंदपुर स्थित बड़ा इमामबाड़ा से डिजिटल माध्यम से नौहा खानी एवं मसीहा का प्रसारण किया गया, जिसमें दूसरे राज्य के लोग भी शामिल हुए। सिया समुदाय के मौलाना नासिर हुसैन ने बताया कि मुहर्रम इतिहास का एक ऐसी घटना है जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। वही सिया वक्फ कमेटी के जिला सचिव सैयद जीजा हुसैन ने कहा कि बड़ा इमामबाड़ा परिसर में सिया वक्फ बोर्ड एवं सरकारी दिशा निर्देश का पालन करते हुए मजलिस का आयोजन किया जा रहा है। साथ ही सचिव ने बताया कि इस साल मुहर्रम के अवसर पर शिया समुदाय की ओर से सामूहिक जुलूस नहीं निकाला जाएगा और लोगों को ये संदेश देना चाहेंगे कि इस महामारी को देखते हुए आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग करें, मास्क लगाएं, सैनिटाइज करें हाथ को और भीड़ भाड़ से हट के रहें। इस बार मुहर्रम का जुलूस 8 मुहर्रम को यहां से निकलता है और 11 मुहर्रम को कोरोना जैसी महामारी को देखते हुए इस बार नहीं निकाला जाएगा। और लोगों के साथ मेहरबानी, रहम, करम, उनके दुख और तकलीफ में साथ दिया जाए। अगर कोई परेशान हल है तो उनकी परेशानियों को दूर किया जाए, अगर कोई दुख वाला है तो उसके दुख को दूर किया जाए। और ये अय्याम अज़ा जो मुहर्रम है इमाम हुसैन के नाम से मंसूब है, सारी दुनिया के लिए ये गम इमाम हुसैन ने कुर्बानी आलम इंसानियत के लिए दी है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मतदाता की कोई भी बात 1950 1950, चाहे शिकायत या सुझाव 1950 1950, चुनाव के पहले चुनाव के बाद 1950 1950। मतदाता सूची में नाम जोड़े के प्रक्रिया, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, बूथ के जानकारी, वोटर कार्ड कैसे बनी, ऐसन सारा सवाल के जवाब मिली 1950 पर। ये चुनाव बस एगो नंबर याद रखी, भारत निर्वाचन आयोग के टोल फ्री मतदाता हेल्पलाइन नंबर 1950। अब कोनो मतदाता बिहार के कोनो कोना से कार्यालय अवधि में 1950 पर कॉल कर सकता। 1950 से अब मतदाता जानी अपन हक के जानकारी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बिहार द्वारा जनहित में जारी। मन की उदासी, नस, सिर दर्द, हिस्टीरिया, पागलपन, मिर्गी, अनिंद्रा, सेक्स रोग एवं नशा जैसे पुरानी शराब, गांजा, भांग, ड्रग्स एवं किसी भी प्रकार के पुराने नशे के इलाज हेतु संपर्क करें भागलपुर स्थित आनंद क्लिनिक, जो कंसल्टेंट न्यूरोसाइकोट्रिस्ट, सेक्सोलॉजिस्ट, डी एडिक्शन थेरेपिस्ट के मशहूर डॉक्टर ऋषि आनंद की देखरेख में किया जाता है।
अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस इस अस्पताल में ईईजी, ईसीटी एवं एमबीटी के साथ साथ मरीजों के भर्ती हेतु 24 घंटे एसी, नॉन एसी, जनरल एवं स्पेशल वार्ड की सुविधाएं उपलब्ध है। आनंद क्लिनिक लाजपत पार्क, घंटाघर के उत्तर, मोक्षदा स्कूल के समीप, मशाकचक, भागलपुर, बिहार। लाइफलाइन सीटी स्कैन एंड डिजिटल एक्सरे। डॉक्टर शशिकर एमडी रेडियो डायग्नोसिस द्वारा संचालित लाइफलाइन सीटी स्कैन एंड डिजिटल एक्सरे में अत्याधुनिक तकनीक से सभी प्रकार के रेडियो डायग्नोसिस की सुविधा पिछले 8 साल से उपलब्ध है। भागलपुर का पहला डिजिटल 1.5 टेस्ला होल बॉडी एमआरआई स्कैन, मल्टी स्लाइस होल बॉडी सीटी स्कैन, अत्याधुनिक अल्ट्रासाउंड मशीन से 2D, 3D, 4D कलर डोपलर, अल्ट्रासाउंड गाइडेड पानी निकालना अथवा प्रेगनेंसी का लेवल 1 या लेवल 2 की जांच की सुविधा। डिजिटल एक्सरे से सामान्य एक्सरे के साथ साथ IVP, RGU, HSG की जांच। डिजिटल डेंटल एक्सरे से पूरे जबड़े का OPG। अत्याधुनिक पैथोलॉजी की व्यवस्था, खून, पेशाब आदि जांच के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं। हवादार प्रतीक्षालय एवं शुद्ध पेयजल की व्यवस्था। कोरोना संक्रमण के प्रति सचेत व सुरक्षित व्यवस्था। लाइफलाइन सिटी स्कैन एंड डिजिटल एक्सरे का रिपोर्ट सभी बड़े अस्पतालों व डॉक्टरों द्वारा मान्य है। लाइफलाइन सिटी स्कैन एंड डिजिटल एक्सरे। के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगले खबर की ओर। जिले में कोरोना का कहर लगातार जारी है। सरकार द्वारा लाख कोशिश करने के बावजूद कोरोना संक्रमण का रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रहा है। राज्य में लॉकडाउन लगाने का कोरोना पर कोई खास असर नहीं हुआ है। बता दें कि सोमवार को आई ताजा रिपोर्ट के अनुसार भागलपुर में 42 नए कोरोना संक्रमितों की पुष्टि हुई, जबकि पड़ोसी जिला बांका में 2, मुंगेर से 4, पूर्णिया से 36 एवं राजधानी पटना से 225 कोरोना संक्रमित पाए गए। हालांकि पिछले 2 दिनों से कोरोना संक्रमण की रफ्तार थोड़ी धीमी हुई है, पर संक्रमितों के मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। भागलपुर SBI मुख्य शाखा के सुरक्षा में लगे होमगार्ड जवान राजनारायण प्रसाद की ब्रेन हैमरेज से मौत हो गई। पटना ले जाने के क्रम में ही उनकी मौत हो गई। सोमवार को शव का पोस्टमार्टम कराकर जिला समदेष्टा कार्यालय में सलामी के साथ श्रद्धांजलि दी गई, जिसके बाद उनके पैतृक घर मोतिहारी शव को भेज दिया गया। बिहार के सभी पंचायतों में उच्च माध्यमिक विद्यालय के संचालन के उद्देश्य से अनाच्छादित पंचायतों में कक्षा 9 के शुभारंभ पटना से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वर्चुअल मोड में की। वही स्थानीय विधायक सुबोध राय ने उच्च विद्यालय का शुभारंभ फीता काटकर किया। साथ ही विधायक की ओर से स्कूल परिसर में पौधारोपण भी किया गया। इस मौके पर पंचायत की मुखिया मनोरमा देवी, BDO नवल किशोर ठाकुर सहित काफी संख्या में ग्रामीण मौजूद थे। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव को लेकर सोमवार को कहलगांव अनुमंडल अंतर्गत तारड़ महाविद्यालय परिसर में प्रवेश करने वाले सभी छात्र छात्राओं का थर्मल स्क्रीनिंग किया गया। बातचीत के दौरान महाविद्यालय के प्रचार डॉक्टर प्रदीप कुमार सिंह ने कहा कि इंटर में नामांकन हेतु छात्र छात्राओं की भीड़ को देखते हुए थर्मल स्क्रीनिंग किया जा रहा है। साथ ही साथ महाविद्यालय के सभी कर्मचारियों द्वारा छात्र छात्राओं से सोशल डिस्टेंसिंग का 100% पालन करवाया जा रहा है। प्रचार ने कहा कि बिना मास्क और गमछा लगाकर महाविद्यालय परिसर में प्रवेश करना वर्जित है। महाविद्यालय के सभी कर्मचारियों द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का 100% पालन किया जा रहा है और सभी कर्मचारी मास्क लगाकर अपना कार्य कर रहे हैं।
जनजीवन संस्था एवं रोटरी क्लब विक्रमशिला की ओर से भागलपुर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा। यह जानकारी सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर संस्था के पदाधिकारियों ने दी। जनजीवन के अध्यक्ष इस्माइल खान ने बताया कि बुधवार को भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य प्रवीण सिंह कुशवाहा का जन्म दिवस है और इसी उपलक्ष्य में दोनों संस्था की ओर से संयुक्त कार्यक्रम होगा। हम लोग पिछले साल भी इसी तरह पौधारोपण किए थे, क्योंकि हमारे रोटरी का एक नया ये उद्देश्य है कि पर्यावरण का संरक्षण करें। तो पर्यावरण का संरक्षण हम लोग सबसे ज़्यादा वृक्ष लगाकर ही कर सकते हैं, वृक्ष लगाकर और उसे बचाकर। तो इसके लिए हम लोग कल वृक्षारोपण कर रहे हैं। तो अंजना जी बताएंगी कि कल हम लोग कहाँ पर और किस समय में वृक्षारोपण कर रहे हैं। भागलपुर के गोराडी प्रखंड के कासिमपुर में एक कोचिंग संचालक की ओर से लॉकडाउन को लेकर सरकार और जिला प्रशासन के निर्देशों का उल्लंघन करते हुए कोचिंग का संचालन किया जा रहा है। न केवल कोचिंग का ही संचालन किया जा रहा है, बल्कि बिना मास्क पहने ही छात्र छात्राओं को पढ़ाया भी जा रहा है। ऐसे में कोरोना की बढ़ती संख्या के बीच कैसे इस पर लगाम लगेगी, यह सोचने की बात है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पुल के पाए से टकराकर यात्रियों से भरी नाव गंगा में पलटी, कई लोगों ने तैर कर बचाई जान, एक व्यक्ति हुआ लापता। शहर में ठप पड़े विकास कार्यों से नाराज नगर सरकार ने निगम कार्यालय में दिया धरना, नगर आयुक्त ने समस्या समाधान का दिलाया भरोसा। वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण के समर्थन में वकीलों ने दिया धरना, का संविधान ने दिया है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। 16 सूत्री मांगों को लेकर संविदा पर बहाल स्वास्थ्य कर्मियों ने किया प्रदर्शन, कोरोना काल में स्वास्थ्य व्यवस्था पर पड़ रहा है असर। और मुहर्रम की चौथी तारीख पर बड़ा इमामबाड़ा में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ हुई मजलिस, नहीं निकाला गया जुलूस।